बिहार को विधवाओं का राज्य बनाने का काम करेंगे क्या? आगे पीछे क्यों नहीं क्यों करा? बिहार से सामने आए नकली शराब के मामले ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। नकली शराब पीकर जहां तमाम लोगों की हालत गंभीर है, वहीं कई लोग जान गंवा चुके हैं। जिनके घर के लोग इसका शिकार हुए हैं, उनके घर मातम का माहौल है। ये मामले छपरा और सिवान से सामने आए हैं। पीड़ितों के परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। 15 तारीख को पिए थे, कल शाम से इनको सुबह में बताया कि रोशनी से दिखाई नहीं दे रहा है, आँख से सीरियस हो गया, तो हम लोग लेकर भागे मसरक जी, मसरक से यहाँ छपरा रेफर किए। मैं तो घर पे था, एकदम बगल में था, वो लेकर आया था, वही मेरे को दिया, मैं पिया था। वही मेरे साथ अभी क्या दिक्कत है? अभी मेरे को मैंने आँख से कम दिखाई दे रहा है। कब से आँख से कम दिखाई दे रहा है? आज दिन सुबह दारू पी गया इलान किरम से, हमसे मालूम नहीं थे हैं, तो मैंने 1 बजे करीम के बाद था, तो ये हॉस्पिटल लेके भाग लिए। मसर से रेफर कैल छपरा, छपरा से रेफर कैल लेके भाग लोग पाटन में। कोई सुई और कुछ भी ना चल, रेफर पर रेफर कर गए कुछ फिर मैंने रास्ते में डेट कर गई। दारू पीला से भैल बा, दारू पीला से अब 5-7 जगह बिका, तो कहाँ पीलम अभी तो किस देख लो नहीं, तो किसे पता हो जाए। कब के मामला हुआ? कल दोपहर के, कल दोपहर के। दोपहर के तो फिर कैसे पता चला कहाँ रुवाले पहनी रहे हैं? मसरक, मसरक से छपरा, छपरा, छपरा से पटना रेफर कर लो। पीड़ित के परिवार के घर जाकर जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने रोते बिलखते हुए घटना के बारे में बताया और बताया कि अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आगे पीछे क्यों नहीं खे उनका? कितने लोग गांव में मरे हैं अब तक? ढेर लोग मर मन के ना बताएं, कितना लोग बताइए। दारू पियला रहा हो, दारू पियला रहा हाल हमारा जुड़िया गले बाबू, एक ठोक लड़का बाहो बाबू, हमार तो दो जुड़िया गले, अब कहाँ रहता हो बाबू आ, अब कहाँ रहता, अब अरे पोर्सा पियले रहा है बाबू आ, अरे तबा एक गलती है भलता हमार बाबू आ, खत्म हो गले ले गयलो तो, हमार बाबू। जिला पार्षद ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि शासन की तरफ से गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। अगर प्रशासन चौकस रहती तो यहाँ ऐसा घटना नहीं होता, जबकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में जब से शराबबंदी है, कई बार कई मर्तबा ऐसा देखा, अलग अलग जिलों में ऐसा ऐसी घटनाएं हो गई है, बावजूद इसके प्रशासन चौकस नहीं है। मौत से उन लोगों को क्या लेना देना है? जिसका जान गया उसका जान जा रहा है। आप क्या समझ रखे हैं कि बिहार को विधवाओं का राज्य बनाने का काम करेंगे क्या? इस पर समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा करके और कुछ कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। आप लोग इसको उठाइए। क्षेत्र में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? आप लोग स्थानीय में हो चुकी है? हमारे पंचायत कौड़िया पंचायत में लगभग 15 से अधिक मौतें हुई हैं और पूरे भगवानपुर प्रखंड में ये 40 से अधिक है, 50 का आंकड़ा छूने जा रहा है। हम लोग के पास भी आंकड़ा है, हम लोग भी दिखाने का काम करेंगे। और जब लाशें आ रही हैं और जलाया जा रहा है, कुछ लोग तो पहले ही जला दिए हैं, कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवा रहे हैं, वहां लोग मर जा रहे हैं, तो ये पुष्टि सही आंकड़ा जमीनी धरातल पे आप आकर के कीजिएगा तो सही आंकड़ा आपको मिलेगा। 40 से 50 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 40 से 50 लोग की जानें चली गई हैं। अभी लोग जाइए रहा है यहाँ। क्या लगता है कौन लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? शासन और प्रशासन को दोष देंगे और किसको हम दोष दे सकते हैं? इसमें आम आदमी का क्या गलती है?
शासन प्रशासन चौकस रहता तो ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए था।